सो सत श्री अकाल, आदाब एंड नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त दिलप्रीत सिंह। सो येट अनदर वीडियो ऑफ द एक्सीडेंट। हाँ, आपने थंबनेल भी सही पढ़ा, ट्रेलर बिल्कुल सही, जो आपने स्टार्टिंग छोटी सी क्लिप देखी वो भी बिल्कुल ठीक थी। सो एक और एक्सीडेंट की है, ये एस्टन आरआर का एक्सीडेंट है। बहुत दुविधा में था यार मैं ये ब्लॉग डालने से पहले कि डालूँ ना डालूँ, क्योंकि लास्ट ब्लॉग में व्यूज़ बहुत सारे अच्छे आए थे जो मैंने डाला था एक्सीडेंट से रिलेटेड, जो मेरा CBR 650 पे एक्सीडेंट हुआ था। बट लेकिन इशू था कि लोगों के बहुत मिले जुले कमेंट्स से, कई लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन कई लोगों ने बहुत अच्छा नहीं भी बोला। लोगों ने कहा नहीं ये मेरी गलती थी, ये था वो था। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी भाई। आप अगर राइड करते हो या नो वन इज़ परफेक्ट, आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, आपसे कहीं ना कहीं मोटी मोटी गलती हो ही जाती है। वही जो गलती होती है वही आपको एक्सीडेंट में टर्न कर देती है। सो हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी उस एक्सीडेंट के टाइम पर। बट लेकिन क्या होता है कि कुछ कहीं पर क्या होता है कि कोई जानबूझ के गलती नहीं करता, गलती हो जाती है बस। और सुपर बाइक है तो हर कोई तेज चलाता ही है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा कि मैं सुपर बाइक चलाता हूँ तो ये है वो है। हाँ, मैं मुझे तेज चलाने का शौक है, मैं इसलिए सुपर बाइक चलाता हूँ, वरना मैं अपनी रॉयल एनफील्ड बहुत खुश था। चलिए छोड़िए, हम पुरानी बातों करते हैं ये ख़त्म। और आज की जो वीडियो है हमारी, ये है हमारे S1000RR के रोड एक्सीडेंट के बारे में। सो पहले फटाफट से वीडियो देख के आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो रखेंगे। चलिए फटाफट पहले वीडियो देख के आइए। बाय। वेलकम बैक। देखा, बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट था यार। ये एक्सीडेंट मेरा नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का हुआ था राउंड ऑफ लास्ट ईयर। सो वीडियो में काफ़ी टाइम से थी बट मैं डाल नहीं रहा था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि डालूँ ना डालूँ, किसी और का एक्सीडेंट है। बट फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार डालते, क्योंकि तो कहीं पर मुझे लास्ट वीडियो से बहुत लगा कि लोगों ने कहा मेरी गलती है, ये है वो है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। बट अब यहाँ बाइक तेज थी, एक कुत्ता आ गया, आपके हाथ में कुछ नहीं होता है व्हेन यू आर राइडिंग एट सच एन हाई स्पीड। एंड यमुना एक्सप्रेस वे था, खुला हाईवे था, कोई दूर दूर तक गांव नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ही तरीके से देखा जाए तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो पूरी तरीके से कवर्ड है हर तरफ से, कि कोई ऐसा इशू ना आए। बट स्टिल थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। अब यहाँ क्या हुआ था कि मेरा फ्रेंड था, वो उसने फ्रंट में कैमरा लगा रखा था अपने टैंक के ऊपर। एंड समवेयर अराउंड 42-43 की स्पीड होगी उसके राउंड ऑफ, उसी टाइम पे राइट साइड से कुत्ता आ गया, उसने डॉग आ गया, डॉग को बचाने के चक्कर में उसने जैसे ब्रेक मारा तो इतनी हाई स्पीड में उसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई, ही जस्ट फेल ऑफ। एंड काफ़ी चोटें लगी उसने, काफ़ी उसने प्रॉपर गियर्स वगैरह पहन रखे थे, गॉड ग्रेस ही सर्वाइव, उसको कुछ हुआ नहीं। लेकिन दो दिन उसको थोड़ी चोट वगैरह लगी, तो दो दिन ICU में रहा आई थिंक। एंड उसके बाद एक हफ्ते के आसपास वो हॉस्पिटल में रहे, एंड फिर ही गॉट डिस्चार्ज। एंड उसके बाद फिर से उन्होंने राइडिंग शुरू कर दी। सो यही एक पैशन है एक्चुअली, क्या है यही सब जो चीज़ें हैं ये आपको इंस्पायर भी करती हैं, डराती भी हैं। मैं भी डरता हूँ कई बार राइड करते हुए, सोचता हूँ कि हाँ यार मेरी फैमिली मेरे घर पर है, मैं राइड तेज़ कर रहा हूँ, कुछ हो जाए, कोई यहाँ से आ जाए, कोई डॉग आ जाए, कोई बाइक वाला आ जाए, कोई गाड़ी वाला गलत टर्न मार दे, मेरी गलती ना हो किसी और की गलती हो। बट क्या होता है कि इन सब चीज़ों को ना आप कभी भी आप मेज़र नहीं कर सकते, आप कभी इन चीज़ों को मेज़र नहीं कर सकते कि क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा या कैसे चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएंगी अगर आप एक बार राइड करना शुरू करते हैं। सो एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन यार। मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी थोड़े टाइम पहले वो एक्सपायर हो गया, वो 800 चला रहा था, उसके पीछे से ट्रक ने हिट करा, वो आगे जाके उसका वो आगे को ट्रक चल रहा था, ही वॉज समवेयर अराउंड 50-60 की स्पीड पर था। बट उसको पीछे से हिट करा, वो आगे गया, उसका हेड लग गया और ही गॉट एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट ओनली। तो अगर ऐसा कुछ होना है तो भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए, बट ऐसा कुछ होना है तो उसको रोक नहीं सकता। गाड़ी में भी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो हाँ, थोड़ा सा बाइक रिस्की है, लेकिन इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि इन रिस्क से आप कुछ सीखें, आप कुछ समझें या उस रिस्क को कैलकुलेट करें। एंड जो गलती हम करते हैं या मैंने कर दी या मेरे फ्रेंड ने कर दी, इसमें कोई गलती नहीं थी ऐसा, टू बी वेरी फ्रैंक,
बट वैसे बात करें कि जो गलती कोई और करे वो गलती आप ना दोहराएं एंड उस गलती से आप सीखें। देखिए एक्सपीरियंस से ही कई बार क्या होता है कि आपको नहीं पता, आप सोचते हो मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत बढ़िया चला रहा हूँ, लेकिन कोई इशू आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है। सो क्या होता है कि इसीलिए हम ये वीडियो मैं डालता हूँ कि आप सब ये चीज़ें देख सकें एंड आप ये चीज़ें सीख सकें। जो गलतियाँ हमने करी या किसी और ने करी वो गलतियाँ आप ना दोहराएं एंड आपको भगवान ना करे कि कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़े। सो फिर से मेरा पॉइंट याद रखना, ऑलवेज वेयर योर राइडिंग गियर्स, हेलमेट ज़रूर पहनना है, बढ़िया हेलमेट पहनना है, बढ़िया राइडिंग गियर्स पहनने हैं एंड कीप योर आइज़ ऑन दी रोड। कभी फालतू इधर डिस्ट्रैक्शन वगैरह मत लो अगर आप बाइक तेज़ चला रहे होते हैं, बाइक स्लो चला तब भी यार, बाइक बहुत ज़्यादा रिस्की स्पोर्ट है, कीजिए, बहुत अच्छा स्पोर्ट है, मेरी मैं भी करता हूँ, मैं तो रोक सकता, लेकिन करेंगे तो ध्यान से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से कीजिएगा। सो इसी के साथ इस बारे में बात करते हैं ख़त्म, और अब हम मैं बताता हूँ, न्यू अनाउंसमेंट करता हूँ फटाफट से। एक मैंने एक्चुअली लास्ट 20-21 दिन से 20-25 दिन हो गए थिंक कोई वीडियो नहीं आई मेरी, तो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बोल रहे थे, बल्कि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे DM करा इंस्टाग्राम पे कि सर अभी आपकी वीडियो नहीं आ रही, न्यू वीडियो कब आएगी। सो आई वॉज ऑन लेह ट्रिप, तो मैं ले गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ, डॉक्टर जलज कुमार, दीप प्रो और मेरे एक दो दोस्त हैं उनके साथ मैं गया हुआ था। सो फाइनली वी आर बैक, वीडियोज़ की एडिटिंग मैं शुरू कर रहा हूँ, कल परसों से शुरू कर दूँगा। सो हर वेडनेसडे एंड संडे आई थिंक 8-10 वीडियोज़ बनेंगी इस ब्लॉग की, क्योंकि हम गए वाया मनाली थे, आए वाया श्रीनगर हैं, तो पहले हम ट्रेलर पे काम कर रहे हैं, ट्रेलर होके फटाफट से कंप्लीट हो जाए, फिर उम्मीद करता हूँ मैं ट्राई करूँगा अब से हर वेडनेसडे और संडे 2 वीडियोज़ डालूँ वीक के अंदर, ताकि थोड़ा सा मैं बढ़ा सकूँ, आपसे ज़्यादा बात कर सकूँ, आपके ज़्यादा नज़दीक आ सकूँ, आप मेरे नज़दीक आ सकें। सो विश मी लक, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड मुझे फॉलो कर लीजिएगा Instagram पर, यहाँ देख लेना कहाँ आ रहा है मेरा नाम, सो वाइल्ड विंग राइडर बाय DS सहानी मेरा इंस्टा हैंडल है, ठीक है। और मुझे एक सजेशन आपसे ज़रूर चाहिए यार, कि क्या आप कहते हैं कि मुझे अपना YouTube चैनल का नेम चेंज करना चाहिए? मुझे कई लोग, मेरे फ्रेंड्स ने ही बोला कि शायद इसको चैनल का नाम मुझे अपने नाम पर रखना चाहिए, वाइल्ड विंग राइडर्स नहीं रखना चाहिए मेरे ग्रुप के नाम पर। सो प्लीज़ डू सजेस्ट मी, मैं क्या करूँ, नाम चेंज करूँ, यही नाम रहने दूँ, या अपने नाम पर रखूँ, या अपने नाम और इस नाम को दोनों कंबाइन कर दूँ। सो आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक, टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, लव रखा, जीते रहो, हंसते रहो।